हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल मेज। आज हम आए हैं सिविल साइट विजिट पे। सो आपको जो ये हाइट दिख रही है, इससे पता लग ही गया होगा कि हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारा बेसमेंट का लेंटर डला है यहाँ पर, वो 3 पार्ट्स में डला है। जो आपको ये कॉलम दिख रहा है वो अलग डला है, एंड ये सेंटर पोर्शन अलग डला है, एंड जो ये आपको कॉलम दिख रहा है ये पोर्शन अलग डला है। एंड अलग डालने के उसके अंदर जो जिसने भी ये डाला है उसने क्या किया है कि ये दो अप रख लिए हैं दोनों साइड, एंड ये साइड डाउन रखा है। इससे हुआ क्या है कि जब टाइल लगाने वाला आया, टाइल वाले को रेड स्लोप चाहिए, तो उसके लिए अगर वो वहाँ पर टाइल पे 1 इंची मसाला भी डालता है तो यहाँ पर आते आते 4 इंची चला जाएगा। मतलब जो कॉलम के साइड में अगर वो 1 इंची मसाला भी यूज़ करता है तो जब वो यहाँ पे डेड स्लोप लेता रहेगा तो यहाँ पे 4 से 5 इंची मसाला चला जाएगा और वहाँ पर 2 से 2.5 इंच मसाला आएगा, एंड यहाँ पर समथिंग 3 से 3.5 इंच मसाला है, एंड यहाँ के ऊपर भी 4 इंच मसाला है। तो उसको मसाला ना डालने से क्या करा इन्होंने कि यहाँ पर सेंटर के अंदर 4 इंची का PCC डाल दिया है। 4 इंची का PCC इतने एरिया में 4 इंची का PCC हो गया, इतने एरिया में 2.5 इंची का PCC हो गया, एंड ये जो एरिया बचा यहाँ पे 3.5 इंची का PCC डाला है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला क्योंकि ये सबसे हाइट पे था। अब इसके अंदर क्या हुआ है, क्लाइंट की कॉस्टिंग बढ़ गई है, बहुत लॉस हुआ है। लेकिन अगर हम करना चाहते थे तो क्या हो सकता था कि जहाँ पर जब लेंटर डाला है बेसमेंट का, जब इन्होंने यहाँ पे एक्सेस ऑफ कंक्रीट डाला ही है तो उसकी कटिंग कर सकते हैं हम। यहाँ पे कटिंग हो सकती थी एंड यहाँ पे कटिंग हो सकती थी, तो जिससे हमें लेवल नीचे मिल जाता। अब ये 5 इंची इन्होंने PCC डाली, उसके बाद इन्होंने 1 इंची मसाला भी डाला 1.5 इंची, उसके बाद ऊपर टाइल भी लगाई, तो ये जो आपकी हाइट यहाँ पे 6'10" आनी चाहिए थी, ये 6'10" हाइट आनी चाहिए थी हमारी विदाउट फिनिश फ्लोर। लेकिन जब ये कंस्ट्रक्ट हुआ, नीचे लेंटर डल गया, तो ये हाइट थी हमारी 6'5" के अराउंड, ये हाइट थी हमारी। तो देखो कितना लेंटर ज़्यादा डला था यहाँ पे, उसकी हाइट आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको एक वुडन ब्लॉक भी, ये हाइट आप खुद देख सकते हैं, ये हाइट ज़्यादा है काफ़ी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 इंची हाइट है, मैंने मेज़र किया है वहाँ से अभी, ये 8 इंची की हाइट है। और इसकी वजह से यहाँ पर अगर हम इस स्लोप पे भी ना लेके नीचे टाइल लगाते हैं तो हमारे यहाँ पे 3.5 से 4 इंच का मसाला डलेगा यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पर जो हमारा है ये भी अप में है, ये जो वाटर लेवल लगा हुआ है यहाँ पे हमारा यही 31 है, वहाँ पे जो वाटर लेवल लगा हुआ है वो 30 है, एंड स्टेयर केस के नीचे जो वाटर लेवल का हमारा निशान लगा हुआ है वो 29 है। इंचज़ में बता रहा हूँ मैं आपको ये वैल्यू, तो वहाँ पे भी अगर हम कम मसाला डालते हैं तो यहाँ पे आते आते तो ज़्यादा मसाला हो जाएगा। और ये हमारा लिफ्ट का पोर्शन है, अब जो लिफ्ट का स्टेप होगा वो हमारे फ्लोर के स्टेप से तो मैच करना चाहिए ना, लिफ्ट तो नीचे चली गई, अभी इस प्रोजेक्ट में लिफ्ट यहाँ पे नहीं लग रही है, लेकिन इन फ्यूचर लिफ्ट जब लगेगी तो ये जो इन्होंने PCC कच्चा किया है ये तोड़ना पड़ेगा, तो लिफ्ट तो नीचे जाएगी। तो लिफ्ट का जो फुट स्टेप होगा और हमारा ये फुट स्टेप होगा वो इक्वल नहीं हो पाएगा। तो अब इक्वल करने के लिए हमारा जो अप में जो हम जा रहे हैं यहाँ पे हम कटिंग करेंगे कंक्रीटिंग की, क्योंकि जो हमारा स्टील है वो काफ़ी नीचे है, जब एक्सेस ऑफ कंक्रीट जब हमारा यहाँ पे डल गया है जिसकी नीड नहीं है तो वो उसको हम हटा देंगे। तो जो हमारा 1 इंच यहाँ पे हम मोर्टार मिक्स डालेंगे ग्रेनाइट लगाने के लिए वो लेवल में हो जाएगा सारी जगह, और हमारा लिफ्ट का भी जो हमारा प्रोजेक्ट है अगर आगे लिफ्ट इन फ्यूचर लिफ्ट लगानी होगी तो वो भी लग जाएगी। तो सॉल्यूशन इसका यही है, जो सेम सॉल्यूशन उसका हो सकता था पर नहीं हो पाया। एंड गाइस एक पॉइंट और है, अगर हम यहाँ पर इसको
3-3.5 इंची मोर्टार मिक्स डाल के फिर ग्रेनाइट लगाते हैं, तो ये हमारा सारा फुट स्टेप भी ख़राब हो जाएगा। स्टेयर केस के जितने भी ट्रेड और जो भी हमारा ट्रेड और राइजर के फुट स्टेप हैं सब ख़राब हो जाएगा। ये टोटली ऊपर से लेके नीचे तक सब ख़राब है ये। तो इसके अंदर गलती किसकी है? मिस्त्री की गलती है, इंजीनियर की गलती है, या सुपरवाइज़र की गलती है, या जो मेन इंजीनियर होते हैं जो ड्राइंग बनाते हैं उसकी गलती है, ये किसकी गलती है? सो अब हम आए हैं साइट विजिट पे यहाँ पे, तो इसका बस एक ही दो सोल्यूशन बनते हैं इसके। जो फर्स्ट सोल्यूशन है वो यही है कि हम इसकी यहाँ से कटिंग करके विद द हेल्प ऑफ ब्लेड हम यहाँ से एक्सेस ऑफ कंक्रीट हटा दें। एंड दूसरा एक बनता है कि यहाँ पर 1 इंची का मसाला लेते हुए हम यहाँ पर चलें और यहाँ पर जहाँ पर हमारा जब मार्बल फ्लोर के साथ टच हो जाएगा, कच्चा जो फ्लोर होता है, तो हम यहाँ पर एक स्टेप बना दें कॉर्नर में। तो जो जैसा क्लाइंट को पसंद आएगा वो वैसा ही करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखें साइट इंजीनियर्स की, अच्छे से काम पे ध्यान दें, क्लाइंट का नुकसान ना होने दें, साइट सुपरवाइज अच्छे से करें। देख लीजिए कि भाई एक गलती की वजह से हमारा लिफ्ट का पोर्शन भी ख़राब हो सकता है एंड हमारे पूरे स्टेयर के इसके स्टेप्स भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमने यहाँ तो मसाला ज़्यादा डाल दिया, अब यहाँ मसाला डालोगे, इधर भी मसाला डालोगे, सीमेंट जाएगा आपका, डस्ट जाएगा आपका, एग्रीगेट जाएगा आपका, मतलब एक्सेस ऑफ मटेरियल आप क्यों यूज़ कर रहे हो, जब सबसे बेस्ट जो तरीका हमारा है कि यहाँ पर एक कटिंग करके हम एक्सेस ऑफ कंक्रीट जो वहाँ पर डला हुआ है वो निकाल लें। फ्रेंड्स, मार्केट से अभी हमने 5 इंची का ब्लेड मंगवाया है 125 mm के का। अब विद द हेल्प ऑफ इट हम यहाँ पे जो हमारा अपर कंक्रीट है स्लैब का, जो कि एक्सेस में ही डला हुआ है, जो थिकनेस है